नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। विभाजन, इस शब्द को सुनते ही शरीर में सिहरन होने लगती है। ऐसी कहानियां हमारे दिलो दिमाग में आने लगती हैं जहां सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा थी, दर्द था और अपने को खोने का दर्द, अत्याचार। और वो कहानियां जिनको हमने सुना और पढ़ा है सिर्फ, लेकिन हम आज उन लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने इसको देखा है, भोगा है और उन सारे दृश्यों को अपने यात्रा में सहा है। वो सारे लोग आज भी उन दृश्यों को जब याद करते हैं तो आंखों से आंसू झरने लगते हैं। उनको याद नहीं करना चाहते क्योंकि तो याद करते ही पुराना घर, पुराने दोस्त, अपना घर, अपनी माता जी, अपनी बहन याद आने लगते हैं। हम ऐसे ही 80 वर्ष के बुजुर्ग जगदीश भसीन जी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उसके आंखों देखे प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी हैं, उन्होंने भुगता है। नमस्कार, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विभाजन की जब बात आती है तो सबसे पहले दिलो दिमाग में क्या आता है आपके? अब वो बात तो होगी पुरानी, क्योंकि जब बात वहाँ जब चला, मैं पांचवी क्लास में पढ़ता था जब ये चक्कर चला, तो उस वक्त हम ये सोचते विभाजन होगा, जाएंगे अगर वापस आ जाएंगे, यही सबके माइंड में था। किसी को यही पता था कि हमने अपने घर छोड़ के चले जाना। तो इस बात के ऊपर, क्योंकि जब स्कूल हमारे खुलते थे और उस वक्त नारे लगते थे, स्कूल बंद किया जाते थे, शाहनवाज खान वगैरह भी सब आते थे वहाँ पर। कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ घर था? मंडी बहाउद्दीन, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अच्छा, उस समय आपकी अवस्था कितनी थी? अवस्था मेरी उस वक्त में 11 साल का। 11 साल का बच्चा विभाजन को कैसे देखता है? 11 साल के बच्चे को तो एक्चुअली इसको इतना कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक्टिव थे तो इसलिए, क्योंकि हम जब भी संघ में शाखा में जाया करते थे। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान में? हाँ, शाखा लगती थी, हम जाते थे। और शाखा में एक दफ़ा शाम को हम देर से आए तो हमारे पिताजी ने हमें 2 थप्पड़ मारे। उनका इसलिए कि तुम्हें पता नहीं हालात कैसे हैं। अच्छा, हालात मतलब खराब होने शुरू हो गए। हाँ, हम गांव में मतलब जाते छुट्टियों में, गांव में एक गांव से फादर ने हमें बुला लिया था वापस कि भाई आ जाओ वापस। जब शुरू हुए दंगे था, लेकिन वहाँ इतने दंगे नहीं हुए कि शायद जो था हमारा हिंदुओं का ही था। एक्चुअल दंगा जो शुरू हुआ वो जब हम वापस आ गए तो उस वक्त 15 अगस्त जब मतलब फैसला होता, 14 को ही कतलेआम शुरू हो गया। कतलेआम क्या, उन्होंने गाँव में लोगों को पहले मारा फिर मोहम्मद ने तो हिंदुओं को छाँट छाँट के मारे। और जो जब 14 अगस्त के बाद हुआ तो मेरे कहा कि भाई बच्चों को गांव में भेज दो, यहाँ कतलेआम शुरू हो गई है। तो हमारे फादर ने कहते, हमारे अंकल थे रेलवे में ओवरसीयर, तो उन्होंने जो ट्रॉली होती है रेलवे के ऊपर, तो उसके ऊपर हम 3 भाई, तो तीनों भाइयों को एक ख्वार गाँव है मतलब कि हमारे रिश्तेदारों का, तो वहाँ भेज दिया। उसके बाद में दंगे फसाद शुरू हो गए शहर में भी। तो फिर ये हो गया कि फैसला हो गया कि गली में रात को पहरा लगेगा और कोई भी आदमी बाहर ना निकले, और कोई निकले ऐसी किसकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा था ये हमारे, क्यों जब मुसलमानों ने शुरू किया तो वैसे रोक दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि रात को अगर मुसलमान आए या कोई आए तो उनको छोड़ना नहीं है। जिस बस्ती में आप रहते थे उसके आसपास मुस्लिम लोग भी रहते? नहीं, सारे हिंदू, वहाँ बस्ती नहीं, ए ब्लॉक बी ब्लॉक ऐसे करके थे ब्लॉक, तो गली बहुत चौड़ी थी, गली में 2 गाड़ी मतलब आ जा सकती थी, मतलब लेटेस्ट है जैसे चंडीगढ़ में है ना आबादी उसी हिसाब से थी, तो वहाँ पर ये था। तो फिर हम रात को पहरा देते थे छत के ऊपर बैठ के, वहाँ पर बुरादा वगैरह सब कुछ रखते थे, मतलब ईंटें वगैरह रखते थे, सब कुछ रखते थे, सारे चार रखते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऑर्डर आ गया शाम को 2 बजे करीब, ऑर्डर आ के पूरा शहर खाली कर, डीसी ने ऑर्डर कर दिया शहर खाली कर दो। अब बड़ी भगदड़ मच गई, तो क्या किया हमारे फादर ने कहा पहले अगर बात करना है सबसे पहले खाने का सामान लेके जाओ। तो पहले हमने छोड़े थे सिर के ऊपर जो चीज़ उठाई, हमने क्या कि जो हमारे जमादार वगैरह थे उनको बुलाया, उनको फादर ने पैसे देने के लिए कहा और सामान, वहाँ टेंट का सामान और ये घर, हमारा मकान बहुत बड़ा था, मतलब 500 गज का मकान था डबल स्टोरी। तो उसके बाद में जब खाली कराए सारा सामान तो ले जाना थी, उन्होंने क्या किया 2 दिन के बाद में
दो दिन वहाँ वहाँ किया किया जो कुएँ वगैरह थे उसमें पॉइजन डालने की शुरुआत मामला सुने, तो वहाँ से यह आया कि भाई फसलों में भी जा उनसे पॉइजन करनी शुरू कर दी, तो वहाँ से फिर हम और आ गए वापस जा सकते हो शहर अपने घर में जा सकते, वापस आए देखा सब सामान लूटा हुआ था, सब कुछ कुछ नहीं था। अच्छा ये लूट जो हुई थी तो वो ममडर ने की, तो ममडर ने क्या तो कुछ नहीं, हाँ उन्होंने की, कोई सामान नहीं बचा था सारा, नहीं नहीं मतलब मेन सामान जो वो ले गए। अच्छा हाँ ले गए, हाँ तो उसके बाद हमारे फादर ने एक नई क्रॉकरी की दुकान खोली थी, उस पर 12,000 रुपये का सामान आया था, ब्रिटिश सुनवाई थी उस टाइम 12,000 की वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो हमारे पहले फादर हमारे सिविलियन स्टोर कीपर थे आर्मी में, वो कोयटा में थे, उसके बाद में हमारे शहर के ऊपर हमला हो गया, उस उन्होंने हमला अटैक कर दिया। तो क्या उस समय की कुछ नारे याद हैं जब हाँ अल्लाह हू अकबर के नारे तो खूब लगते थे, अल्लाह हू अकबर के नारे वो लगाते थे बाहर से, दूर से आवाज़ आती थी, शहर में तो एंटर नहीं कर पाए ना तो गेट लगे हुए सब थे। तो फिर उन्होंने अटैक किया जब, तो फिर इन्होंने मीटिंग बुलाई हमारे, और उसके बाद ये फैसला हो गया ठीक है अपने आप थोड़ी शांति हो गई, फिर कहा कि कैसे किया जाए, फिर हमारे लिए ट्रकों का फैसला हुआ, बसों का ट्रकों का गवर्नमेंट ने किया, सरकार ने आए वहाँ सारे, वो क्या ऐसे ही भाग के चढ़ गए ट्रकों में, ना जी में पैसे ना कुछ, फादर ने किसी को 10 रुपये के लिए ऐसे ना 10-20 रुपये दिए चाय पानी के लिए मतलब खाने पीने के लिए फादर उस वक्त दिए। तो उसके बाद में क्या हुआ भाग गया, फिर ट्रक हुए ट्रकों के बाद फिर सोचा कि हमारे मामा जो थे कैप्टन थे, और मैं तो उस वक्त नए आर्मी ग्रेजुएट थे पुराने, तो उन्होंने हमारे लिए बस भेजिए स्पेशली कि भाई इनको परिवार को ले आओ 15-20 आदमियाँ ले आओ। तो जब हमने सामान रखा ऊपर तो उन्होंने खाली करा दिया, मुसलमान आए खाली करा दिया। अच्छा वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ झगड़ा हो गया, हाँ तो झगड़ा हो गया तो खाली करा दिया तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्या किया जाए। फिर इंतज़ार करते रहे, फिर क्या कि ट्रेन आएगी, ट्रेन मिलेगी, क्योंकि आबादी बहुत बड़ा शहर था, वहीं से ही हमारा स्टेशन था, रेलवे स्टेशन मंडी बहावलदीन स्टेशन ही स्टेशन था। तो उसके बाद में ट्रेन गए, अब ट्रेन में गए तो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में क्या गाड़ी बैठ से क्या तो ऐसे करके बैठ, जगह ही नहीं थी, अच्छा इतना भरी हुई थी, हाँ भर गई, बैठ गए तो वहाँ से गाड़ी चल पड़ी। तो हम अच्छा इस समय आप गाड़ी में ट्रेन में बैठे घर छोड़ करके, हाँ उसमें क्या लग रहा था, मतलब आपको सारी चीज़ें पता थी कि ये हम लोग घर छोड़ रहे हैं? नहीं अब ये नहीं पता कि वापस नहीं आएंगे। अच्छा ये नहीं था, ये लग रहा था कि हम कहीं जा रहे हैं, ये है कि ये पता लग गया बंटवारा हो गया। अच्छा ये पता, हाँ पता, हाँ 14 तारीख की रात को पता लगा। आप वहाँ बड़े लोगों से या घर में माता पिता जी से चर्चा करते थे कि बंटवारा क्या है, क्योंकि नहीं नहीं ना हम 5वीं पढ़ता था, पता लग गया बंटवारा हो गया, देश का बंटवारा हुआ है। अब ये नहीं पता था कौन सा हिस्सा हमारे पास है कौन सा उनके पास। अच्छा तो घर जब छोड़ रहे थे तो हम तो यही सोच के रहे कि वापस आएंगे, तो ट्रेन में जब हाँ ट्रेन में आए तो जब हमने गुजरात पार किया तो आगे गुजरांवाला आता है, उसके बाद में शाम को ये बज गए कुछ 4:30-5 बजे, तो बज गए तो गाड़ी उन्होंने एक साइड में लगा दी बाहर, लगा दी सब घबरा गए ये क्या हुआ, क्यों ये पता था गाड़ी आप कट रही है। आप कितने लोग थे उस ट्रेन में परिवार के? अपने परिवार के हम 4 आदमी, बाकी तो सब भाई भाई, तो लोगों में फादर मदर मैं और छोटा एक भाई था 1 साल का, बहन नहीं थी, बहनें जो थी वो पहले ही हम बुआ के साथ आ गई, पहले ही आ गई। हाँ बाकी भाई ऐसे ही आ गए, परिवार के और भी कोई व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत परिवार इतना यही था, और बाकी तो अलग अलग थे दूर दूर थे वो तो आ नहीं पाए, तो वहाँ से और भाई छोटा और आप, हाँ और हमारी नानी, नानी भी थी हमारे पास, और दादी को भी बुला लिया गांव से हमने पहले ही, तो ये थे हमारे पास। अब ये वहाँ पर जब रुके तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, गाड़ी कट रही है कि अब सोने का अब नहीं हम सेफ जाएंगे वापस यहाँ से बच के जाएंगे। तो फिर वहाँ मीटिंग हुई, तो हमारे साथ उस वक्त गवर्नमेंट ने एक कैप्टन और 20 सिपाही वगैरह जो थे अमनीशन के साथ में गाड़ी की रखवाली के लिए दिए चले साथ में, हम सोए रहे मतलब हम डरते अंदर से डरे हुए थे, तो गाड़ी के इर्द गिर्द घूमते रहे सारी रात। तो सवेरा हुआ सवेरे उठ के फिर 10 बजे करीब गाड़ी चल पड़ी वहाँ से, फिर लोगों से गुजरांवाला के बाहर एक जगह स्टेशन था वहाँ पर, तो हमने कहा अब तो ख़त्म हो जाएगा कमरा नहीं। फिर वहाँ से हम लाहौर पहुँचे कोई 2:30-3 बजे, लाहौर फिर खतरा पड़ गया, फिर वहाँ गल्ला हल्ला हो गया, फिर वो मिलिट्री वाले जो इर्द गिर्द घूमने लगे,
फिर उन्होंने गाड़ी वहाँ से हमारी निकाली 4 बजे के करीब। 4 बजे से निकाल के वहाँ से करतारपुर में आ गए। 6 बजे के करीब करतार में पहुँचे। शायद आपने सुना होगा 82 के बाद में करतारपुर जगह है, जलंधर से कोई 12-13 मील पहले, उधर से कपूरथला को सड़क जाती है, हम रेलवे लाइन जाती है। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर हमें कहा गया खाली करो गाड़ी, खाली और आ गया। उन्होंने कहा मिलिट्री वालों को गाड़ी खड़ो जी, गाड़ी जानी है, अब गाड़ी खाली करो, अब कहाँ जाएँ। फिर कहा गया जी आपके लिए वहाँ एक स्कूल है, उसमें जगह है, हाँ ठहरने की। अब वहाँ से जीटी रोड है, जीटी रोड के किनारे पर स्कूल था आगे करतारपुर में। हम गए वहाँ पर, वहाँ पर कमरों में डाल दिया, एक एक कमरा था क्लासरूम, उसमें 40-40 आदमी, 45-40, 45-60 आदमी। विभाजन की कुछ ऐसी यादें जो आज भी आपके दिल को कचोट जाती हैं, वो क्या है? देखो जी ऐसे है, जब उन्होंने अटैक किया ना, जब डर पड़ गया था। अच्छा। हाँ, जब हमारे शहर पे अटैक हुआ ना, वो तो हजारों की तादाद में आए चारों तरफ से। शहर तो था मतलब के गेट बने हुए थे, लेकिन गेट तो हमारे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन हमने कहा कुछ गेट नहीं थे, छोटे थे, वो फलांग जाएंगे। तो उस वक्त वो सबको डर पड़ गया कि अब मुश्किल हो गई। अम्बाला आने के बाद कैसे जो चीज़ें आप छोड़ के आए थे, फिर कैसे जीवन आगे बढ़ा और यहाँ तक आया, उसको संक्षिप्त में बताएं। ऐसे है कि अम्बाला आने के बाद में जो हमारे ब्रदर थे, अब ये तो सेल्फ सफिशिएंट होना है, साथ तो कुछ लाए नहीं थे हम, सेल्फ सफिशिएंट होने थे। फादर कहने, अच्छा हमारे बड़े ब्रदर थे वो बैंक में सर्विस करते थे, उनको राशनिंग में नौकरी मिल गई कार्ड बनाने की, तो 3 रुपये पर डे मिलते डेली वेजिस पे। तो और दूसरे जो भाई तो हम बाकी पढ़ते थे, तो फादर ने फिर थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया, तब जाके हुआ। फिर ब्रदर जो मैट्रिक वगैरह करके, तो उसके बाद में फिर अपने मतलब ये फादर ने कहा कि तुमने अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है। तो क्लेम तो मिलेंगे जब मिलेंगे ना, लेकिन वहाँ अभी क्लेम नहीं मिले थे, हमने क्लेम कर दिया था। तो जिस मकान में हम रहते, मुसलमानों का मकान था अम्बाला में, उनका इसमें यही रहो आप वही कर दें। संघ की भूमिका की अगर बात करें तो क्या अनुभव किया आपने? और हम ये ने अनुभव ये किया कि लोग जो मर्जी कहें, जब पाकिस्तान में जब प्रॉब्लम, जब हमारे सामने उन्होंने हमें हेल्प की है, तो बाकी जगह भी की हो। हमारे दिमाग में यही था, क्योंकि वो लोग जब गाड़ियाँ आती थी या ट्रक आते थे ना, बॉर्डर को दूर नहीं था, आते थे वो वहाँ पर उनको सेवा करते थे, फिर आते थे राशन बांटते थे, बर्तन बताया आपको बांटते थे, कपड़े बांटते थे, मतलब ये। आज घर की याद आती है आपको? बिल्कुल आती है, जाने का मन होता है? हाँ बिल्कुल होता है, मैं कोशिश भी की 2 दफ़ा। अच्छा, नहीं जा पाया। हाँ, मैं इसी के टीवी उसको देख लेता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा। हाँ, फोटो आती है हमारे शहर की। इस वक्त भी पंजाब का बेस्ट स्टेशन है, सिटी है वो पाकिस्तान का। जब उसकी याद आती तो क्या करते हैं? करना क्या, अब कुछ कर नहीं सकते, अब तो कुछ नहीं कर सकते। आपने जैसे कहा कि जब हम घर छोड़ रहे थे तो हमें पता था कि हम आएंगे जरूर। हाँ आएंगे, अब ये 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 इच्छा होती है कि जाके देखें हमारा मकान कैसा है, वहाँ कौन रहता है। क्योंकि हमारे परिवार, हमारी कास्ट के परिवार, जो खोखर बरादरी के परिवार बहुत थे वहाँ पर, बहुत थे। अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो पीड़ा आपने साझा की कैसे, लेकिन वो दिन हमें भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते। जैसा कि जगदीश जी कह रहे हैं कि वो दिन भूल नहीं सकते, निश्चित तौर पे जिसके ऊपर तमाम अत्याचार किए हों, जिन्होंने सारा कुछ देखा हो, घर छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा, अपने लोग अब छोड़ने पड़े, दोस्त यार छोड़ने पड़े, और वो इस सबसे बड़ी बात, वो स्मृतियाँ छोड़नी पड़ी जिनके सहारे जो बचपन में उन्होंने जिया था, और आज भी जब वो याद करते हैं तो बस यही याद आता है कि कब जाने को मिलेगा। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5jan@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5jan@gmail.com।